क्या ये जरूरी है कि प्रश्नकाल न होने दिया जाए? ये मामला पहले भी उठ चुका है, मैं आज इसको फिर उठाना चाहता हूँ, और जब अगला अधिवेशन शुरू होगा तो उससे पहले सबकी बैठक बुलाकर इस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत पड़ेगी। जो हम 11 बजे ही काम शुरू कर देते हैं वो 12 बजे तक के लिए रुक सकता है, कोई घाटा नहीं होगा। अगर ठान लिए कि सत्र नहीं चलने पाएगा तो सत्र नहीं चलेगा, लेकिन सत्र चलते हुए भी अगर प्रश्न पूछे जा सके और सरकार को उनका उत्तर देने के लिए व्यवस्था किया जा सके। उनमें प्रतिपक्ष वाले तो बहुत दिन सत्ता में रहे, अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि अगर मंत्रियों के लिए प्रश्न टाल दिए जाएं, किसी दिन प्रश्न टल जाए, जिसके नाम से प्रश्न है वो सदस्य सदन में ना आए, तो बड़ी राहत की सांस ली जाती है कि चलो बच गए, पता नहीं क्या हाल होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रश्न होना नहीं चाहिए, प्रश्नकाल तो चलेगा, लेकिन होने कहाँ दिया जाता है, किस लिए, क्या आवश्यकता है। कई दिन तक सदन बंद रहे, हम नेता प्रतिपक्ष के लिए ये सरल है कि आज के दिन भी जब हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, गले शिकवे हम सब छोड़ कर जाते हैं और जो उज्ज्वल पक्ष है उसी पर बल देते हैं, और भविष्य में हम अपने लोकतंत्र को किस तरह से बलशाली बनाएंगे और ये संसद किस तरह से जनाकांक्षाओं की पूर्ति करेगा इसका उल्लेख करते हैं, तब भी उन्होंने आज भी उन्होंने छोड़ा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष अभी सदन में आई हैं, मैं पिछले 40 साल से पार्लियामेंट में हूँ और विरोधी दल में रहा हूँ, लेकिन हर समय मान मर्यादा का ख्याल रखा है। अगर सरकार के खिलाफ शिकायतें करना हो और उसके लिए भी अगर आखिरी दिन ढूंढा जाए तो पता नहीं अभी तक क्या दृश्य उपस्थित होते हैं, लेकिन आज तक इस मर्यादा का पालन हुआ है, आज तोड़ा गया है, किस लिए। एक सीमा तक मुलायम सिंह जी संयम का नहीं, मुलायम सिंह जी कभी इधर झुक जाते हैं कभी उधर झुक जाते हैं, सत्य पे अटल रहते हैं। ये ठीक, ये कलयुग में आप ही एक सत्यवादी हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र एक जीवंत प्रक्रिया है, पर पार्टियां हैं इसलिए कि संसद ठीक चल सके, चर्चा के लिए अवसर दिए जा सके और उसमें निंदा प्रस्ताव आ सकते हैं। आखिर काम रोको प्रस्ताव आया, चर्चा हुई, दूसरे सदन में जहां बहुमत नहीं है वहां भी मतदान पर बल दिया गया, सरकार अल्पमत में है ये बात हो गई साबित, लेकिन हम लोकसभा में बहुमत में हैं ये भी बात साबित हो गई, उस पर किसी को कोई शिकायत नहीं है। मगर जो भी काम हो वो ढंग से होना चाहिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया से होना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए एक रास्ता दिखाने वाला काम होना चाहिए। किसानों की समस्याओं से सरकार भी चिंतित है, अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो WTO का समझौता पहले कर लिया गया था और जिसमें हमारे हाथ पांव बंधे थे और हमें उत्तराधिकार में जो समझौता मिला था उसके कई परिणाम हैं, जिन परिणामों का सामना करना होगा और हम सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये करते हुए अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे लोकतंत्र दुर्बल हो और आपस में कटुता बढ़े। अब हम चाहते हैं कि मणिपुर की जो स्थिति है उसमें कुछ कार्रवाई की जाए,
लेकिन दूसरे सदन में बहुमत नहीं है भाई, हमारी सीमा है और यहाँ सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी सहयोग मिलता भी है, पहले ज्यादा मिलता था, अब कुछ कम हो गया है। जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा उग्रता बढ़ेगी, मैं इसके लिए दोष नहीं देता। जो आंकड़ों का खेल है, जो संख्या का खेल है, वो तो स्पष्ट है, लेकिन प्रक्रिया, बात हम क्या कहते हैं, इसका महत्व है और किस तरह से कहते हैं इसका और भी ज्यादा महत्व है। बात अपनी कही जाए, अपनी नीतियां स्पष्ट की जाएं, उसके अनुरूप उग्र कदम उठाए जाएं, लेकिन सदन की एक मर्यादा रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके साथ हमारी गहरी सहानुभूति है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था कि ये क्यों होता है, तो आपने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। कभी कभी आपसे, हमसे सवाल तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभी आपसे सवाल पूछना भी अच्छा रहता है। लेकिन विचार करना चाहिए, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ, वर्ष की समाप्ति पर, शताब्दी के अंत में जब नई चुनौतियों का हमें सामना करना है, तो संसद ठीक तरह से चले इसका एक बार फिर मिलकर बैठकर विचार करने की जरूरत है। महिला आरक्षण का सवाल लीजिए, सत्ता पक्ष तैयार था कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो, अगर एक रास्ते से नहीं होता है तो हमने दूसरा रास्ता भी सुझाया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। अब किसको दोष दिया जा रहा है? क्या मैं भी नाम लेकर दोष देना शुरू करूं? जो दूसरा सुझाव आया था उसे क्यों नहीं स्वीकार कर लिया गया? अगर महिलाओं की शक्ति संवर्धन ये हमारा उद्देश्य है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है, तो दूसरे तरीके से भी वही उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता था। मगर एक तरफ प्रतिपक्ष का एक भाग अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का पूरा भाग अड़ा हुआ है, और बात हुई नहीं और फिर भी दोषारोपण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोषारोपण के उस फेर में नहीं पढ़ना चाहता। हमने अधिवेशन समाप्त किया है, अगले अधिवेशन के लिए हम मिलेंगे, बीच में क्रिसमस का त्यौहार है, उसकी बधाई है, ईद हम मनाएंगे, सबको मुबारक हो, और फिर नई शताब्दी में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ये देश एक झंडे के नीचे खड़ा रहे जैसा आज खड़ा है मैं समझता हूँ, और उसमें हमारा सहायक होना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, और ये सदन उसमें योगदान दे रहा है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद। Honorable members, now stand up.